आपण मान समस्त को भारतीय जनता पार्टी परिवार तरफ स्वागत। आज भी मध्य आपण पाखरे एक गुरुत्वपूर्ण विषय को लेकिन आम गहन राज्य साधारण संपादक श्री पृथ्वीराज हरिचंदन महोदय आपण सामने विषय रखे। कही रखे जे राज्य सरकार विधानसभा मिछ कहते तो कहते जनसाधारण को बारंबार मिछ कथा कहते जिते भी कहले सरनी किंतु मु आपन कहि रखा चाहे ए कोविड समय रे जो भाव लोक मैंने 4.5 कोटी ओडिया लोक मैंने हंत सत होते राज्य सरकार तांकर कटा घारे चून माला भली बारंबार से भली काम करुछंती। कोविड 19 समय रे जो विषय को लेकिन बारंबार भारतीय जनता पार्टी तरफ रु रखा जाउछि तांको अवगत कराउछि जन विभिन्न प्रेस वार्ता माध्यम रे जणैबा सत्ते विधानसभा रे कहिला सत्ते मध्य बारंबार राज्य सरकार मिछ कथा कहउछंती खुद मुख्यमंत्री भी मिछ कथा कहउछंती। ए विषय रे मु अनुरोध करछि भारतीय जनता पार्टी राज्य साधारण संपादक माननीय पृथ्वीराज भाई को आपण माध्यम रे राज्यवासी को जणैबा। गणमाध्यम समस्त बंधु को मोर स्वागत एवं नमस्कार। बंधुगण गत काली गणमाध्यम आपण माने गोटे विषय बिंदु उपर आलोकपात करते विषय बिंदुटी हूँ जो कोविड योद्धा माने साधारण लोकंकर सेवा करू करू कोविड सह लड़े करू करू अन्य मानक जीवन रक्षा करू करू अन्य मानक संक्रमण रु रक्षा करू करू जो माने शहीद होती जो माने अकाल मृत्युवरण करबदे गत दुई दिन तले राज्य सरकार विशेषकर मुख्यमंत्री कार्यालय गोटे प्रेस विज्ञप्ति आसला गत 7 तारीख दिन से जो सरकार मार्च मास ठू ए पर्यंत अक्टोबर मास पर्यंत कोविड विरुद्ध जो लड़े से लड़ई रे निजर पराकाष्ठा देख पारिना राज्य रे संक्रमण धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चली राज्य सरकार को पाखरे ताकू संभाला कौन सी ताकत ना बोली राज्य सरकार हाथ टेकी से भली एक सरकार जो कोविड शहीद होती जो कोविड योद्धा माने परिवार को मिलवाक अनुकंपा राशि नहीं कि गोटे मिछ तथ्य ओडिशावासी आगे रखी थे मुझे भावुँ अत्यंत दुर्भाग्यर कथा जो दिवंगत आत्मा एवं तांको परिवार माने जो माने सम्मान पाइबार हकदार जो मानू आम सम्मान दबा आमर कर्तव्य बोली मन कर से मानक बाबदे जदि चर्चा करूँ राज्य सरकार एवं गोटे मिछ तथ्य ओडिशावासी आगे रखिकी तांकु आल करके कथा को मिछ तथ्य रखिकी विभ्रांत करने को चेष्टा करे वास्तव में अत्यंत निंदनीय कथा। मुझे दुई लाइन पढ़ाक चाहूँ जो थे कि राज्य सरकार जो प्रेस विज्ञप्ति थिला गत 7 तारीख सूचना योग्य जे शहीद योद्धा परिवार को 50 लक्ष टंका अनुकंपा सहायता जोगाई देवाई केन्द्र सरकार घोषणा करते तदनुजाई राज्य सरकार कोविड नियंत्रण कार्य करुवा समय रे शहीद होता 60 जन योद्धा नाम तालिका भारत सरकार निकट को पठी थे किंतु भारत सरकार मात्र जड़े शहीद को सहायता देवाई सम्मति दे संपर्क में राज्य सरकार पुणी आउ थे केन्द्र सरकार दृष्टि आकर्षण करे मुख्यमंत्री सूचना देते मुख्यमंत्री राज्य सूचना देते एक आज मुझे चाहूँगी कल मु गणमाध्यम भाई मान आगे कही जे रुदाली सिनेमारे जमी जो प्रोफेशनल विलाप करा विलापकारी जमी था आज ओडिशा प्रदेश सरकार आज से प्रोफेशनल विलापकारी कथा गुड़िए कहते
ସରକାର ତାର ଯେଉଁ ନୈତିକତା ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ବାବଦରେ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏଠି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ତଥ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ 30/3/2020 ଠୁ 8/10/2020 8/10/2020 ମାନେ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହି କ'ଣ, ଯେ ଆମେ 60 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର 60 ଜଣ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସବମିଟ୍ କରିଛୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେଥିରୁ ଜଣଙ୍କର ସହାୟତା ପାଇଁ, ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାକି 69 ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ଯାହା କହୁଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ତାଲିକା ଅଛି, ଇଏ ମାତ୍ର 47 ଜଣ 47 ଶହୀଦଙ୍କର, କୋଭିଡ଼ରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଇନଫର୍ମେସନ୍, ତାଙ୍କର କ୍ଲେମ୍ର ସବମିସନ୍, ଏ କଥାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ସମୁଦାୟ 47 ଜଣଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରଥମ କଥା। ସେହି 47 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ 42 ଜଣଙ୍କର 47 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ଲେମ୍ ସବମିସନ୍ 47 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ 42 ଜଣଙ୍କର କ୍ଲେମ୍ ସବମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8/10/2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 42 ଜଣଙ୍କର କ୍ଲେମ୍ ସବମିଟ୍ ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ ଜଣଙ୍କର ଡକ୍ଟର ବି କ୍ରିଷ୍ଣା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଡାକ୍ତର, ତାଙ୍କର କ୍ଲେମ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସେ କ୍ଲେମ୍ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ବାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର 41 ଜଣଙ୍କର କ୍ଲେମ୍ ଅଣ୍ଡର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବାଇ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ, ଏ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀମାନେ ତାର ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ବି କ୍ରିଷ୍ଣା, ସ୍ୱର୍ଗତ ଡକ୍ଟର ବି କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ଲେମ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ସହାୟତାର ରାଶି ଦେଇଥିଲେ, ଦେବା କଥା ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା, ସେ ସହାୟତାର ରାଶି ସେ ପାଇବେ। ଏକରେ 47 ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ 60 ଜଣଙ୍କ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ ମିଛ କହିଛନ୍ତି, ସେ ମିଛର ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏ କାଗଜ, ଯେଉଁ କାଗଜରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଛି ଯେ 47 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, 42 ଜଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ଲେମ୍ ସବମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏବେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ୍ କନ୍ସିଡରେସନ୍ରେ ଅଛି, ତାର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ନଥିପତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମିଛ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା, କୋଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ସହାୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାର ଏଠି ବିନିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଥିଲି ଗୋଟିଏ କଥା, 567 ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇସିୟୁର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ଯେତିକି କୋଭିଡ଼ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାର ଅଧିକାଂଶର କାରଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇସିୟୁର ଅଭାବ ଅଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଯୁକ୍ତ ଆଇସିୟୁ ମାତ୍ର 147-150 ଭିତରେ ଅଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହସ୍ପିଟାଲର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ବି ହେଇଛି ଏ ବାବଦରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଜୋର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆଉ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଅଧିକା ବଢ଼େଇବାକୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଭେଣ୍ଟିଲେଟରର ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠୁ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ସେମାନେ ହୁଏତ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ବଢ଼େଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ବି କମିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୃତ୍ୟୁର ହାର ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯେଉଁ ଯେତିକି କୋଭିଡ଼ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଅଭାବନୀୟ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି, ସେଥିରେ ସଂଖ୍ୟାରେ କମ୍ ଆସିବ କେବଳ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ବଢ଼େଇବେ। ଏ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫେଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା। ତେଣୁକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ନୈତିକତା ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମିଛ ଆରୋପରେ ଛନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଥିରେ ନୈତିକତା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଛଟି, 21/2020 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ କନ୍ଭର୍ଜେନ୍ସ ୱିଥ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନିସିଏଟିଭ୍
will ensure that rupees 50 lakhs is given to all health personnel, private and public, and members of all other support services who lose their precious lives in the fight against COVID-19. एकथा राज्य सरकार कहिथिले एप्रिल 21 रे केंद्र सरकार को मिछ कहि कि आरोप लगेबा मुख्यमंत्री किंबा राज्य सरकार आज पर्यंत जो 46 जणंकर आज दुखद मृत्यु होइछि तांको भितरु 42 जणंकर डॉक्यूमेंट आपणकर हस्तगत होइछि एवं 42 जणंकर आपण क्लेम केंद्र सरकार को करिचंती तांको 50 लाख टंकार दबा पई आपणंकु किए मना करछि आपण काहि कि तांको परिवार को 50 लाख टंकार सहायता जा आपण घोषणा करथिले जे स्टेट गवर्नमेंट इन कन्वर्जेंस विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव जो कथा तार अर्थ होउछि केन्द्र सरकार बादे आमे राज्य सरकार तरफ आउ 50 लाख कोविड योद्धा माने सही होइछन्ति तांको परिवार आमे अनुकंपा राशि हिसाब से दबू ये कथा को राज्य सरकार काहि कि करिनांति एवं जणे भी कोविड योद्धा परिवार जो मैंने शहीद होता कोविड योद्धा परिवार जड़े भी परिवार ये कथा पाई से बाबद राज्यर मुख्यमंत्री स्पष्ट चित्र राज्यवासी आगे रखार आवश्यकता अच्छी ये हूँ द्वितीय मिछ राज्य सरकार तृतीय मिछ हूँ 28 जुलाई रे राज्य सरकार कही कोविड 19 ड्यूटी समय मृत्युवरण कर अंगनवाड़ी वर्कर परिवार मानुकु अंगनवाड़ी वर्कर को 7500 टंका मासिक आशा वर्कर 5000 टंका मासिक परिवार को कंपेनसेशन बादे परिवार 60 वर्ष जेबे हेथांता से बयस पर्यंत एतिकी पैसा प्रति मास पाखकु ट्रांसफर हबो 28 जुलाई रे राज्य सरकार विज्ञप्ति मुख्यमंत्री कार्यालय विज्ञप्ति ये जुलाई मासरु आज पर्यंत अक्टोबर मास आस 28 जुलाई रु आज है 9 अक्टोबर आज पर्यंत जड़े भी आशाकर्मी किंबा अंगनवाड़ी वर्कर परिवार को अगस्त मास सेप्टेम्बर मास दुई मास जुलाई मास राज्य सरपति ने किंबा सेप्टेम्बर मास गोटे भी पैसा तांको परिवार को मासिक दरमा जमी मिलूला सेमती मिली ना ये कथार उत्तर भी राज्य सरकार कौन जेहेतु मुख्यमंत्री कार्यालय विज्ञप्ति मुख्यमंत्री को एक जवाब देवार आवश्यकता अच्छी तेणुकर मो कह कथा बंधुगण प्रथम कथा हला कोविड युद्ध को जो भाई भाव में कोविड संक्रमण को रोकवार जो भाई भाव में लड़ई मनोवृत्ति रखार आवश्यकता थिला ताकु राज्य सरकार रखिपारी दुर्भाग्यर कथा होची अन्य राज्य मानकरे जेतेबेले व्यापक टेस्टिंग होची अन्य राज्य मान आंध्र प्रदेश रे आज तक 63 लाख टेस्टिंग सरी कर्नाटक रे 56 लाख टेस्टिंग सरी तमिलनाडु रे 80 लाख टेस्टिंग सरी आपणकर उत्तर प्रदेश रे 30 लाख टेस्टिंग सरी बिहार रे 81 लाख टेस्टिंग सरी ओडिशा सरकार जमा 36 लाख टेस्टिंग रे अटकी अच्छा आज पर्यंत मो कहिबा कथा हला जो आज संक्रमण बढ़ुची संक्रमण शिकार अधिकार अधिका लोक होउचंती मृत्युहार अधिकार अधिका लोक होती लोकंर मृत्यु चली मृत्यु को सरकार सप्रेस करने को बाध्य होती मृत्युर संख्या को किसी दिन तले गणमाध्यम बंधु मैंने जो मैंने सत्यनगर श्मशान गोटे श्मशान उदाहरण देखिए जो भाई भाव में गणमाध्यम आगे देखे मुझ गणमाध्यम बंधु मान धन्यवाद देवी से मो कह कथा राज्य सरकार एथु चेतवा आवश्यक राज्य सरकार कोविड नियंत्रण कौन बिंदु विसर्ग न छाड़ी सबू दिग को ठीक ढंग से आड्रेस हम सबु दिग को ठीक ढंग से तदारख हम सबु दिग को ठीक ढंग से आम परिचालना करवा ये कथा को छाड़ी आज जो भाई भाव में राजनैतिक ड्रामार पुणी आरंभ कर भावुची ड्रामा कोटना कोटि बंद करूँ एवं विशेष करी जो मान परिवार जो मैंने परिवार को न नहीं कि परिवार मुह को न देखिकी जो मैंने कोविड संक्रमण विरुद्ध लड़वा लोक बचेवाप जो मैंने प्रक्रिया करते निजर प्राणपात कर शहीद होती अंतत यह विद्रूप न करंतु सेमानन को परिवार को एभली विद्रूप न करंतु राज्य सरकार वास्तव में जो मुख्यमंत्री कार्यालय जो विज्ञप्ति गुड़िक आसी भावुची से सरकार तंकर भूल कौन से कथा को स्वीकार करंतु पब्लिकली साधारण लोकों आगे एक स्वीकार करंतु आम भूल कही ये तथ्यविहीन भाव एक कही आम जहाँ कही कथा को आम प्रत्याहार ये प्रथम कथा द्वितीय कथा जो 50 लाख टंका कंपेनसेशन कथा राज्य सरकार कही
ताकु कोविड योद्धा मानू दवापाई सप्ताहक भितर राज्य सरकार निष्पत्ति नियंतु। एवं तृतीय कथा जो अंगनवाड़ी आशा वर्कर जो मानक मासिक दरमा भली घर को पैसा पठेवा कथा जो अच्छी कंपेनसेसन कथा अच्छी अगस्ट आ सेप्टेम्बर मासर पैसा तांको घर को जो मानकर मृत्यु घटी से मानक घर को जमी जीव जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर ये मासगुड़िकर पैसा जमी घर को जीव से बाबद भी राज्य सरकार तुरंत निष्पत्ति नहीं कि सप्ताह भितर से कथा करूँ। ये कथा आज आम मुख्यमंत्री एवं राज्य सरकार दृष्टिगोचर करुचु एवं आशा करुचु आगामी दिन में एमती स्पर्शकतर विषय गुड़िक राज्य सरकार मिथ्या न कहीकि अंतत तथ्य संबलित कथा कहतु जहाँ यथार्थ हम एवं कोविड नियंत्रण में निश्चित भाव आगामी दिन में सहायक हम। धन्यवाद। न कले तापर राजनैतिक दृष्टिकोण रू कौन कर बाबद पुणी चिंता कर बाबद सरकार सरकार जदि ए बाबद दृष्टिगोचर न करेंगे निश्चित भाव में कौन से ना कौन से रास्ता तापर बाहरी करने को भारतीय जनता पार्टी राजनैतिक दृष्टि चिंता कर। मु आज जो कंटेक्स्ट रे कहूँ आपण को एटी राज्य सरकार दुई तीनो प्रचंड मिछ कही पुणी विज्ञप्ति कौटू आज्ञप्ति मुख्यमंत्री कार्यालय आसी सात तारीख दिन राज्य सरकार मिछरे एक उठेले जे 60 जन कोविड योद्धा शहीद होती एवं केन्द्र सरकार से प्रति दृष्टिगोचर हो केन्द्र सरकार केन्द्र सरकार कंपेनसेसन देवाई जहाँ घोषणा करते कथा सम्मति देना कौन सी राज्यर कम्प्लेन ना भारत बर्षे केवल ओडिशा सरकार एक उठेले से बाबद गोटे तथ्य मुझे समस्त सांगे सेयार कली तथ्य हूँ 60 जन मिछ कथा 47 जनकर मृत्यु बोली केंद्र सरकार को राज्य सरकार रिपोर्ट कर 42 जनकर डॉक्यूमेंट सबमिट कर जड़े प्राप्य पाई सार प्राप्य पाई सार कंपेनसेसन आउ 41 जनकर क्लेम अंडर एग्जामिनेशन बाय इंश्योरेंस कंपनी से स्टेटस अच्छी एक्टिव कंसीडरेशन अच्छी जेकोसी मुहूर्त तार इंश्योरेंस कंपनी तार काम सरिले से प्राप्य पाइबे ये होची प्रथम कथा। राज्य सरकार कहिबा पूर्वरु मुख्यमंत्री दफ्तर विज्ञप्ति देवा पूर्वरु अंतत गोटे तथ्य संबलित कथा जदि कही पारंते सेटा निश्चित भाव जुक्तियुक्त होवंता मुख्यमंत्री मिछ कहउचंती राज्य सरकार मिछ कहउचंती ये वास्तव में केवल नवीन बाबू को अपमान नुहे ये ओडिशावासी समस्त को अपमान जे आम प्रदेश मुख्यमंत्री मिछ कहउचंती आम प्रदेश मुख्यमंत्री मिछ कहीकि आरोप लगाउचंती ये होची प्रथम कथा। द्वितीय कथा हला द्वितीय मिछटी हूँ राज्य सरकार घोषणा करते मार्च मासरे जे आमे केंद्र सरकार सहित आउ 50 लक्ष टंका राज्य सरकार भी कंपेनसेसन हिसाब से देवे बोली किंतु से अर्थ आज पर्यंत ये 47 जनकर मृत्यु होती जड़े भी कई जनक परिवार भी से 50 लक्ष पाईना ये हूँ द्वितीय मिछ तेणुक आम आशा करूँ राज्य सरकार 7 दिन भितर ए बाबद निष्पत्ति ने जो मानक क्लेम सबमिशन होती एबे वर्तमान सुधा राज्य सरकार जो मानक क्लेम सबमिशन कर तुरंत से 50 लक्ष टंका दवापाई व्यवस्था करेंगे। तृतीय मिछ हूँ जो अंगनवाड़ी आ आशा वर्कर जो मानकर कंपेनसेसन बाद मासिकिया दरमा टंका जहाँ था जो भत्ता अच्छी 7500 और 5000 ताकु राज्य सरकार मासिक हिसाब से 60 वर्ष रिटायरमेंट एज हवा पर्यंत देवे जो कथा थिला से कथा को राज्य सरकार एपर्यंत पालन करना तेणुक आम आशा करूँ राज्य सरकार 7 दिन भितर जहाँ जहाँ बकैया अच्छी और आगामी दिन में जहाँ जहाँ हम से बाबद तुरंत निष्पत्ति नहीं खाली घोषणा सर्वस्व न हुतु ये कथा को करूँ जहाँकि जो मैंने कोविड विरुद्ध लड़ुंट जो सरकारी कर्मचारी हूँ प्राइवेट सेक्टर में काम कर लोक हूँ जो मैंने कोविड विरुद्ध लड़ुंट भी उत्साह मिल कोविड संक्रमण विरुद्ध लड़ापी एवं ये बास्तव में एक नजीर हम जे ठीक ढंग से अंततः राज्य सरकार खाली मिछ प्रतिश्रुति दौना जो कथा कहते से कथा पालन करते ये कथा गोटे नजीर हम एवं या सहित भी जो मिछ कथा आरंभ कर राज्य सरकार पर दिन जो कथा कही मिछ अवतरणा करके मिछ संख्या देकि भूल तथ्य देकि जो कथा आसी कही आम ए बाबद चिठी लिखुचु केन्द्र सरकार को दृष्टि आकर्षण करुचु से मिछ ये एक भयंकर मिछ एवं एभली एक विद्रुतात्मक मिछ अंततः राज्य सरकार कहिबा उचित नुहे ये कथा कहीकि राज्य सरकार ये कथा को भी प्रत्याहार करंतु।
आगामी दुई दिन भितर पार्लियामेंट्री बोर्ड रो बैठक अच्छी एवं से भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी किए से बाबद घोषित हो प्रार्थी आधार देखो प्रार्थी आधार गोटे आधार हुए प्रार्थी सिलेक्शन से हूँ विनेबिलिटी विनेबिलिटी जो मान अच्छी तारी भितर सबुठ बेस्ट चॉइस जहाँ हम भारतीय जनता पार्टी से भाई एक प्रार्थी चयन करने जा कांग्रेस कौन एथर लड़ुनि कि निर्वाचन कांग्रेस जदि कहूँ से कथा आम पाखे पैसा ना अन्य जहाँ पाखे पैसा अच्छे लड़ुच मोर पलटा प्रश्न कांग्रेस दल कांग्रेस निर्वाचन लड़ुच ना लड़ुनि मो कहवा कथा है लोकों पाखे सबू कथा आम रखु लोकों पाखे विकास कथा रखु एवं विकास मुद्दा नहीं कि आम आगे निर्वाचन लड़बू तेणुक लोके ग्रहण करेंगे ये विश्वास अच्छी आम जहाँ भी प्रार्थी करने को जो मान जाऊ से निश्चित भाव लोकों पाखे सर्वाधिक ग्रहणीय सबु दल अपेक्षा ये कथा भी स्पष्ट अच्छी चित्र तेणुक मुझे भावुची आम निश्चित भाव एक सफल निर्वाचन हिसाब से आपको ग्रहण कर सात दिन समय दिया नहीं देखो गोटे कथा स्पष्ट अच्छी आशायी तो बहुत था किंतु राज्य तरफ जो रेकमेंडेशन जवा कथा से कथा जा सारी और बहुत शीघ्र पार्लियामेंट बोर्ड से कथा निष्पत्ति नेला से कथा पब्लिक को आसिबो एवं गणमाध्यम बंधु मान आगे आम खुशी सहित कहीपरू जो ये आम प्रार्थी हेले नॉर्मली तीन जन ना गोटे रेकमेंडेशन जिते बड़े जाए गोटे राज्य तीन जन ना रेकमेंडेशन लेकिन जाए तेणुक गलापर से पार्लियामेंट्री बोर्ड तार परीक्षा निरीक्षा करके निष्पत्ति निए जो एथर प्रार्थी किए हे तेणुक जो प्रार्थी किए हे से कथर प्रश्नटार उत्तर पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग पर निश्चित भाव से कथा सामना को जोड़ी जाक सीट आमपाई सुविधाजनक स्थित अच्छी मुझे भी आपको कहवा चाहूँगी जोड़ी जाक सीट रे आम एक सफल निर्वाचन लड़ा को जाऊ देखते दल को सेमती बहु लोग आसती बहु लोग जाती दलर जो भोट से भोट सांगे तार किसी संपर्क न थाए भोट सांगे तार किसी प्रभाव न थाए तेणुक कौन सी प्रकार प्रभाव नहीं एवं आपण माने भी समस्ते भल भाव जानते एक कैडर भित्तिक पार्टी एटी दलर जो शक्ति से शक्ति सहजरे क्षय हुए ना तेणुक ये आसी जे भारतीय जनता पार्टी छाड़िकी कहीं जीवा भाई स्थित ना जी निजर स्वार्थ दृष्टि कहीं जब जावाक चाहिए क्या मना भी ना तेणुक ये श्रृंखलित दल भितर ये कथा मुझे भावुची आम निर्वाचन प्रक्रिया उपरे कौन प्रभाव पड़े ना बहुत धन्यवाद समस्त।